नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। स्टूडेंट्स, पता है सेम आज हम लोग का है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें कुछ चीज छूट गया था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग तो देख लिए थे, लेकिन सभी का एक बगल से डिटेल कि किसका कॉजिटिव एजेंट क्या है, उसका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है, इसके बारे में हम लोग नहीं जाने थे और हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसलिए उसको जानना जरूरी है। उससे पहले अभी जो आए हुए हैं वो हैं अजमेरी खातून मीन्स नफीसा, सोनिया सेत्री, शॉपिंग वर्ल्ड, रॉयल अंकित एंड सौरभ देवनाथ। आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड लेट अस स्टार्ट विद द टुडे क्लास। तो आज बारी है हम लोग का इसीलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का जो लेफ्ट आउट पोर्शन है लास्ट क्लास का वो देखेंगे, प्लस एड्स इन डिटेल देखेंगे। ऐसे ये सारा चीज एड्स वगैरह हो तो ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन वेलफेयर करके एक टॉपिक आएगा, उसमें भी डिटेल में आएगा, लेकिन तो उस समय कम देखेंगे, अभी डिटेल देखेंगे। और ये एक मेजर टॉपिक है एड्स, इसीलिए आज का पूरा लेक्चर कंसंट्रेटेड होगा एड्स के ऊपर और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है और आप लोगों को सभी को ध्यान से देखना है, ठीक है जी। और क्लासेस अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लास्ट क्लास पिछला क्लास अगर नहीं देखे हो तो बहुत चीज हो चुका है हम लोग का, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है हम लोगों का, तो पहले का भी क्लास देख लो जो कि काफी फायदेमंद रहेगा हम लोगों का, ठीक है जी। लेटस मूव, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नीट यूजी 2020 के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेकिन उससे पहले जो हम लोग किए हुए थे, पहले का जो एसटीडी छूट गया हम लोग उसे देखेंगे। सो जस्ट ए मिनट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी देखे थे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये सब कुछ हो गया था, इसे हम लोग नहीं देखेंगे। लास्ट क्लास का सिंपली लेफ्ट आउट पोर्शन देखना है जिसमें कि हम लोग देखे थे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जो कि थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स फैलता है, एक्सेप्ट मतलब वो सारा इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैलता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, और जो डिजीज होता है उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहेंगे। लेकिन कुछ को छोड़ के बोले तो एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, तो ये दोनों का क्या कंडीशन है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है प्लस ये दूसरे मेथड से भी फैलता है। दूसरे मेथड कैसे, अगर कॉमन सिरिंज को यूज किया गया है, मदर से फीटस में जा सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में हो सकता है, तो ये कुछ कंडीशंस है। विराज गुड इवनिंग, ये कुछ कंडीशन है जिसके थ्रू की ये फैल सकता है इन एडिशन टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसमें जो हम लोग देखना है हम लोगों को तो देखना है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियसिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियसिस, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी लीडिंग टू एड्स, ओके, जिसमें कि एड्स सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसीलिए आज का क्लास हमारा ज्यादातर कंसंट्रेटेड होगा, मोस्टली कंसंट्रेटेड विल ऑन एचआईवी एड्स, ओके। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जो अलग मेथड से होता है क्या होता है, जैसे कि हम लोग बताए अभी जस्ट, हेपेटाइटिस बी हो गया, एचआईवी हो गया, ये ट्रांसमिट होता है कैसे, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, ये मेथड होता है ट्रांसफर होने का। तो इसमें एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स एंड एचआईवी इन्फेक्शन, अदर डिजीजेज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। मतलब हेपेटाइटिस बी हो जाए, एड्स हो जाए या हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस हो जाए, इस तीनों के अलावा जितना भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडीज है, सबका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। टर्म है कि समय रहते जानकारी हो जाना चाहिए, अगर समय रहते जानकारी हो गया, पता चल गया कि ये कैसे होता है, मतलब कुछ इन्फेक्शन से, तो ये सुधार किया जा सकता है और आसानी से सुधार हो सकता है। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं गया तो नहीं होगा, मतलब लास्ट स्टेज में। नॉर्मली हमारे सोसाइटी में सोसाइटल स्टिग्मा है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारा सिचुएशन आता है, तो डर से लोग ये अपने सोसाइटी का स्टिग्मा के कारण डॉक्टर को विजिट नहीं करता है और ये फैलता है, ठीक है। मंजू धीमान, एक्सक्यूज मी सर, क्या ये काफिंग से भी हो सकता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन? नहीं मंजू धीमान, ये डायरेक्ट
फ्लूड कॉन्टेक्ट होना पड़ेगा, अलग अलग है, हम लोग अलग अलग देखेंगे। अगर सिंपली एड्स का देखना है, अगर सिंपली एड्स के बारे में जानना है तो कफिंग से नहीं होगा, क्योंकि वो एड्स वायरस जैसे ही एयर में आता है वो मर जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी डिटेल में, लेकिन और भी कई सारा ऐसा है जो कि कफिंग से होता है, किसिंग से होता है, इवन टच करने से भी हो जाता है, जैसे कि कोरोना होता है ना, तो कोरोना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये कफिंग वगैरह से होता है, ठीक है जी। मंजू धीमान, अभी हम लोग देखेंगे, आप लास्ट तक लगे रहिए और सारे स्टूडेंट लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए, सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा इन डिटेल। मेरी गारंटी है कि अगर इन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर बनाएंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, हमारे इसी मेटेरियल से मिलेगा। इसके अलावा जो होगा उसको आपको स्टडी करना है, क्या चीज, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू, सब कुछ यहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, अभी लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो स्टार्टिंग का जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उसका स्टार्टिंग का सिम्टम क्या है, पहला नंबर इचिंग होता है, लगभग सबका ये जो जनरल है इचिंग होता है, फ्लूड डिस्चार्ज होता है, जो जेनिटेलिया है वहां से फ्लूड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है हल्का फल्का, और स्वेलिंग्स भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है, अगर ये सब कुछ इन्फेक्शन सिम्टम्स शो कर रहा है इसका मतलब इन्फेक्शन है, डेफिनेटली डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। इन्फेक्टेड फीमेल्स मे ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिकली एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती है इन सभी डिजीजों से, वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, उनमें सिम्टम नहीं शो करता बहुत दिनों तक, और जिसका परिणाम होता है कि लंबा टाइम तक वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहते, बांटते रहते। So, following factors deter the infected persons from going for timely detection and proper treatment. कुछ important factors है जो कि society में हमारे लोगों को infection हो जाता है उसके बावजूद भी doctor को visit करने से भागता है। तो ये कुछ है, उसके बाद है क्या, social stigma attached to the STDs. हमारे social stigma attached है STD से related. अब सोशल स्टिग्मा क्या होता है, मतलब वही जो बताए कि लोग डरता है को, मतलब किसी और के साथ में रिलेशन किया है और कुछ हुआ है, जबकि एड्स और हेपेटाइटिस बी के बारे में हम जाने कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैलेगा, और कोई दूसरा मेथड से भी फैल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में ऐसा डर रहता है, ऐसा सोच रहता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और इसीलिए नहीं जाता, लेकिन जब डेंजरस स्टेज में पहुंच जाता है, एक्सट्रीम स्टेज में पहुंच जाता है, तब डॉक्टर को विजिट करता है, जो कि काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, नंबर वन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, दैट इज PID, पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन हो सकता है और डेफिनेटली होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर लेडी, अगर किसी फीमेल में हुआ और वो प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशंस में एबॉर्शंस हो सकता है, गर्भपात जिसे कहते हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है, मतलब बच्चे जो जन्म लेगा वो डेड होगा, एक्टोपिक प्रेग्नेंसीज होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम लोग डिटेल में विथ वीडियो हम लोग देखे थे, जिसमें कि रिप्रोडक्शन चल रहा था और प्रेगनेंसीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बावजूद भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि नॉर्मली जो प्रेगनेंसीज होता है वो यूट्रस में होता है, जैसे कि ये पोर्शन है यूट्रस का जो मेरे ऊपर देख रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारण से अगर यूट्रस में प्रेगनेंसी ना हो के फेलोपियन ट्यूब हो या और किसी जगह पे अगर हो जाता है उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। पार्टिकुलरली अगर फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है प्रेगनेंसी, कंसीविंग हो जाता है, तो उसे ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो ये हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, जो कि काफ़ी फेटल होता है और डेथ भी हो सकता है, ऐसे ऑपरेशन के द्वारा निकाला जा सकता है, लेकिन सक्सेस रेट इसका बहुत कम है अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया तो। उसके बाद इनफर्टिलिटी का केस हो सकता है, नपुंसकता हो सकता है मेल और फीमेल दोनों में, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर हो सकता है, ठीक है। STIs आर ए मेजर थ्रेट टू ए हेल्दी सोसाइटी। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है STD, ये हेल्दी सोसाइटी के लिए मेजर थ्रेट है, क्योंकि कई मेथड से ये फैलता है, जैसे कि हमारे समाज में कई सारी कुरीतियां हैं, वो जो ड्रग्स वगैरह ड्रग एवज जो होता है एक ही सिरिंज वगैरह से लिया जाता है उसके द्वारा भी फैल सकता है, या हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स
उस कंडीशन में भी होता है, कई सारा ऐसा कंडीशंस आता है। द ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस, देयर इंसिडेंस आर रिपोर्ट टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24, जिससे कि तुम लोग बिलोंग करते ऐसे, इससे सभी को वल्नरेबल है, सभी को हो सकता है, लेकिन 15 से 24 साल के बीच में ये ज्यादा होता है, क्योंकि जैसा कि बताया कि हमारे कल्चर में ये टर्म को यूज करना, बोलना, बातें करना ही इसको खराब माना जाता है। तो कहां से होगा, डिस्कशन नहीं होता है, जिसके कारण कि इग्नोरेंस रहता है हमारे बच्चों में, और इस समय हमारा माइंड जो है, हमारा इंटेलिजेंस कम अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन, हार्मोनल कंट्रोल में आ जाता है, जिसका परिणाम होता है कि बच्चे भाग जाते हैं, और भागने का परिणाम होता है कि टपक जाते हैं। तो कई सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लाइफ लॉन्ग पछताना पड़ सकता है थोड़ा सा, अगर टैबू को बरतते हैं तो, कल्चर्स को अगर 100% यहां पर फॉलो करते हैं तो। सो नाउ You could be free from these infections if you follow the simple principles given below. अगर कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो ये सारे चीज से बचा जा सकता है। नंबर क्या, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स या जिसे नहीं जानते उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना है, उससे हो जाएगा, बच जाएगा। कॉन्डोम को यूज करना है, जब भी किया जाए तो कॉन्डोम यूज करने से एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचत होता है, और साथ ही साथ ये STDs से भी बचाव होता है। इन केस ऑफ डाउट गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शंस, अगर शक होता है कि हो सकता है कि ये इन्फेक्शन हो चुका है तो डॉक्टर को डेफिनेटली विजिट करना चाहिए, ताकि अर्ली डिटेक्ट हो सके और क्योर हो सके। ठीक है, नाउ कमिंग टू द वन बाय वन सभी चीज को, ये अभी तक जो देख रहे थे हम लोग, ये कॉमन सिम्टम्स और कॉमन ट्रेंड था जो कि होता है, से हम पकड़ सकते हैं कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो चुका है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो चुका है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन इज द क्लैमिडियासिस, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादा डिटेल नहीं आया हुआ था इसके ऊपर, सिंपली आया था कॉजेटिव एजेंट ऑफ क्लैमिडिया इज क्लैमिडियासिस, नाम से ही लगता है, नाम ही इसका क्लैमिडिया नाम है। इट इज कॉज्ड बाय पैथोजन क्लैमिडिया ट्रैकोमेंटिसिस दैट यूजुअली इन्फेक्ट्स, ये नाम है इसको, मतलब क्लैमिडिया नाम है जैसे, तो क्लैमिडिया ही याद रखना है, इसी से अपने को याद रह जाएगा, जो कि मेल और फीमेल दोनों को पकड़ता है, दोनों में ये इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल्सो इन्फेक्ट द थ्रोट रेक्टम एंड आईज, थ्रोट एरिया में, रेक्टम एरिया में और आईज में भी इसका इन्फेक्शन होता है। अब सिम्टम क्या है, वुमेन में, पहले हम लोग वुमेन में सिम्टम देखते हैं क्या होता है, एन अनयूजुअल वेजिनल डिस्चार्ज होगा, नॉर्मली अनयूजुअल होगा, जो कि पहले कभी नहीं होता था ऐसा। पेन और बर्निंग सेंसेशन वाइल पासिंग यूरिन, यूरिन पास करने के टाइम में बर्निंग सेंसेशन होगा। ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, नॉर्मली पीरियड के टाइम में ब्लीडिंग होता है, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है तो पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग हो सकता है। पेन ड्यूरिंग सेक्स और ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, सेक्स करने के टाइम में पेन होगा या ब्लीडिंग भी हो सकता है सेक्स करने के बाद। लो एब्डोमिनल पेन समटाइम्स विद नोजिया, मतलब यहाँ पर हल्का फल्का एब्डोमिनल पेन होगा और नोजिया रहेगा, वोमिटिंग लाइक सिचुएशंस, मतलब इस तरह का फीलिंग्स होगा इसमें, नोजिया। ठीक है, नाउ अब क्या है, अगर मेन की बात करें, क्लैमिडियासिस में मेन में क्या सिम्टम होगा, मेल में वाइट और क्लॉडी वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द टिप ऑफ द पेनिस, मतलब वाटरी क्लॉडी डिस्चार्ज होगा, व्हाइट ढंग का हमेशा होता रहेगा। पेन और बर्निंग सेंसेशन वाइल पासिंग यूरिन, यूरिन पास करने के टाइम में पेन होगा या बर्निंग सेंसेशन होगा। टेस्टिकुलर पेन और स्वेलिंग, और टेस्टिस में पेन होगा और स्वेलिंग होगा, दोनों हो सकता है या कोई एक भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू द गोनेरिया, जिसे कि क्लैप भी कहता है, गोनोरिया को क्लैप इसलिए कहा जाता है कि पहले के समय में कि पेनिस को क्लैप करने से, एक्चुअली उसमें पस हो जाता है तो क्लैप करने से वो निकल जाता है, इसीलिए इसको क्लैप डिजीज कहते थे कि क्लैप करने से ये ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसी नहीं, अब इस बात का प्रूफ हुआ है। तो इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है, ये जो देख रहे हो ना इमेज, चलो मैं हट जाता हूँ मेरे पीछे, ये जो देख रहे हो ना ये भी इसका सिम्टम है। क्या होता है इसमें, इट इज कॉज्ड बाय द निसीरिया गोनोरिया, गोनोरिया उसमें क्या था, क्लैमिडिया, यहाँ पर निसीरिया गोनोरिया, निसीरिया गोनोरिया इसका कॉजेटिव एजेंट है, नाम याद रखना है। इसमें मैचिंग टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या होता है इसमें, द निक नेम ऑफ द क्लैप रेफर्स टू द ट्रीटमेंट डेट वॉज यूज टू क्लियर द ब्लॉकेज इन द यूरेथ्रा फ्रॉम द गोनोरिया पस, मतलब वही क्लैप करके इसको क्लियर किया जाता था, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया क्लैप डिजीज।
इन दिस ट्रीटमेंट पेनिस वुड बी क्लैप्ड ऑन द बोथ साइड साइमल्टेनियसली, दोनों तरफ से इसको क्लैप करना है। उसके बाद क्या होता है सिम्टम इन वुमेन गोनोरिया का, स्ट्रॉन्ग स्वेलिंग वेजिनल डिस्चार्ज डेट मे बी थीन एंड वाटरी और थिक एंड येलो ग्रीन, मतलब वेजिनल डिस्चार्ज होगा, काफी इसमें महक होगा, स्मेल होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा। इरिटेशन और डिस्चार्ज फ्रॉम द एनस, मतलब एनस से इरिटेशन होगा या डिस्चार्ज होता रहेगा। एबनॉर्मल वेजिनल ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगा। पेन और बर्निंग सेंसेशन व्हेन पासिंग यूरिन, ये तो सब में होगा। लो एब्डोमिनल पेन समटाइम्स विथ नोजिया, ये भी सब में होगा, आगे चल के हम लोग देखने वाले। तो ये कुछ चीजें याद रखना, कुछ कॉमन सिम्टम याद रखना, इसमें नाम याद रखना है सभी का, किसके द्वारा होता है, बस अपना काम हो जाएगा, क्योंकि इसी डिजाइन का क्वेश्चन आता है इसमें। नाउ ये तो हो गया हर्पिस, अब हम लोग आते हैं हर्पिस के बारे में। क्या होता है बोथ हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 1 एंड वायरस 2, ये हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। वायरस 1 एंड वायरस 2 मे बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्स और बाय किसिंग और टचिंग एनी इन्फेक्टेड एरिया। अगर किसी को इन्फेक्शन है उसको टच करने से हो जाएगा इन्फेक्टेड एरिया में, अगर टच करते हैं तो, या इन्फेक्टेड पर्सन को किस करते हैं उस कंडीशन में भी हो जाएगा, मतलब कई सारा कारण है, और सेक्स करने से तो होगा ही होगा। यहाँ पर क्या, एक कॉन्डोम कैन प्रिवेंट हर्पिस ट्रांसमिशन ड्यूरिंग वेजिनल और एनल सेक्स, बट ओरल कॉन्टैक्ट विथ जेनाइटल्स और ओपन सोर्स एनीवेयर कैन स्प्रेड द डिजीज, मतलब अगर जेनाइटल वगैरह को टच करते हैं या जहां पर ओपन सोर है, जहां पर इन्फेक्शन हुआ है, अगर उस जगह को टच होता है तो डेफिनेटली इन्फेक्शन पकड़ेगा। वॉशिंग हैंड्स कैन ऑल्सो मिनिमाइज ट्रांसमिशन, अगर हाथ को बार बार धोते हैं जैसे कि कोरोना के केस में होता है तो इन्फेक्शन को डेफिनेटली ये कम कर देगा। अब इसका सिम्टम्स क्या है, हर्पिस अगर होता है तो इसका सिम्टम्स क्या है। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 1 यूजुअली शोज अप एज कोल्ड सोर्स और ब्लिस्टर्स, इसमें क्या होगा कोल्ड सोर्स होगा या ब्लिस्टर।